चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सारे दर्शकों रिदम वालों प्यार भरी सत श्रीकाल स्वागत है तुहाडा जी। तो सब तो पहला तो अज इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे दियां सबनों ही बधाइया। अंतरराष्ट्रीय कलाकार दिवस है जी, और जिन्हें भी बंदे जिन्हें भी इंसान जो भी हाँ असं सारी ह्यूमन बीइंग वैसे एक आर्टिस्ट हाँ, कला कला नूं ही वैसे बेसिकली असी आर्ट कह दिंदे आ। ते जिहड़ी भी कला असी दिखाने आ, चाहे वो कोई सिनेमा दे रूप च देखदे आ, चाहे आपां किसे नूं कोई उहदा कोई हत्थ दा हुनर होए, चाहे कोई उहदी कोई स्किल होए, सो वो उहदा हुनर हुंदा है। सो अज वैसे आर्टिस्ट डे आ जिहड़ा, वो जिहड़े कलाकार ने जिहड़े सिनेमा वाले हो गए या है ना इदां दे पर्दे वाले हो गए, सो कलाकारी दिवस है, सो उहदी गल कर रहे आ। पीऊंगी मैं हत्थ तां ला के देख, 11,000 बुलट वांगू करंट ना मारा। अच्छा हाथ लान नू तू बठिंडे दा थर्मल प्लांट आ, नी उड़ानी आ मैं तेरा फ्यूज। इधर आ तेनू मैं दसा पता। भाभी छड़ दे, आए गए दा लिहाज ते करिया कर बेबे। आया क्या केड़ा है, ये तो काके दी फ्रेंडा ने, ये भी देख लेन तू की खिचड़ी पकौनी है। खिचड़ी मैं केड़ी, तुहाडी जमीन अपने नाम लिखा लई है। इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे दे मैं चढ़दी कला दे दर्शकां नू बहुत बहुत बधाई देनी आ। माहिया दे गाते खुशियां मनावांगी। चढ़दी कला टाइम टीवी दा इह शलाघायोग उपराला है, जिस च कौमांतरी कलाकार दिवस नूं इक वड्डे रूप च मनाया जा रहा है। 25 अक्तूबर यानी कि अज अंतरराष्ट्रीय कलाकार दिवस कलाकारां ते उहनां द्वारा कीते गए सारे योगदानां दा सन्मान करदा है। इह दिन सब तो मशहूर कलाकारां चों इक पाबलो पिकासो नूं भी वैसे याद दे तौर पर मनाया जाता है। ये स्पेनी कलाकार का जन्म जिहड़ा कि 25 अक्तूबर 1881 नूं होया सी। कलाकार अपना काम सिरजन लई सख्त मेहनत करते हैं, वो साडे आले दुआले की दुनिया नूं अपनी कला राहीं सुंदरता प्रदान करते हैं। ज़्यादातर कलाकार कई वख वख माध्यम्स यानी कि मीडियम ने जरिए ने उन्हां नाल काम करते हैं। कलाकारी नूं किसी एक विषय च सीमित नहीं किया जा सकता। वैसे वैसे जे जिवें मैं स्टार्टिंग गल की सी कि हर बंदा कलाकार है अपनी आपकी लाइफ, जे गल की जाए चित्रकारी की, फोटोग्राफी की, मूर्तिकार की, संगीतकार की, डांसर की गल करिए, फिर अच्छा कई लिखते हैं, कई अदाकार ने, कई डिजिटल कलाकार ने, तो होर भी बहुत तरह कलावां ऐसियां ने जिन्हां च पंजाबियां ने अंतरराष्ट्रीय पद्धर से मल्लां मारियां होईयां ने। जदों भी एक कलाकार रचनात्मक तोहफे नाल पैदा हुंदा है तां उह रचनात्मकता बहुत सारे वख-वख खेतरां च फैलदी है। उदाहरण के तौर पर पिकासो एक चित्रकार, मूर्तिकार, कवि ते नाटककार सी। हाँ जी, सो यही गल है जी कि एक बंदे दे विच बहुत सारिया खूबियां हो सकदियां ने। सो अज उसी कला नूं असी समर्पित हाँ, उन्हां सब कलाकारां नूं असी उन्हां दा आदर सतिकार कर रहे हैं। सो अज उन्हां नूं समर्पित हो के ये दिन असी मना रहे हैं। सो उन्हां चों ही कुछ कलाकार, कुछ जाने माने चेहरे असी अज तुहाडे रूबरू करन जा रहे हैं, जिन्हां ने अज दे इस खास दिन ते बहुत सारिया शुभकामनावां तुहाडे लई दित्तियां ने, और खास दिन दियां वधाइयां भी तुहाडे अगे रखियां ने। सो जिथे गल असी कलाकारी दी कर रहे हैं, अदाकारी दी कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसियां हस्तियां, बहुत सारे ऐसे चेहरे जिन्हां नूं असी जानदे हाँ, भली भांति जानदे हाँ। और एक ऐसा दौर सी, फिल्मी दौर सीगा, जदों बहुत घट लोग फिल्मों बारे जानते सीगे, और उदों तो ही इन्हां दे फैमिली ते इन्हां दे है ना जिहड़े फैमिली मैंबरस ने, और ये खुद इस इंडस्ट्री दे विच ने, और अज बॉलीवुड तो लैके बॉलीवुड तो लैके बहुत सारे होर इदां दे सिनेमा जिन्हां च काम कर चुके हैं। पर खास गल की है कि असी पंजाबियत की गल कर रहे हैं, पंजाबियों की गल कर रहे हैं कि पंजाबियों ने कितने कितने मल्ला मारियां हुई ने। सो उन्हां चों ही एक इदां दी कलाकार अदाकार जिहड़े कि अपने दौर दे विच इन्ना छाए कि हुण तक दिलां ते राज करदे ने, ते मैं गल कर रहा जी प्रीति सपरू जी की। सो जानदे हो तुसीं उन्हां नूं बखूबी जानदे हो, सो आओ असी उन्हां दा मैसेज देखदे हाँ इस खास दिहाड़े दे उपर उन्हां ने की कहा है और की वधाइयां दित्तियां। 25 अक्टूबर नूं वर्ल्ड आर्टिस्ट डे मना रहे ने, ते एक आर्टिस्ट होने के नाते मैनू बहुत ही खुशी हो रही है, और मैनू लगता है सारे कलाकारां ने इसनू सेलिब्रेट करना चाहिदा है। और चढ़दी कला इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे मना रहे ने, ते मैं सारिआं नू चढ़दी कला दे दर्शकां नू इस दिन की बहुत बहुत बधाई देनी आ। सो जिथे गल असी कर रहे हैं है ना, कलाकारी की गल कर रहे हैं, अदाकारी की गल कर रहे हैं, सो प्रीति सपरू जी का असी मैसेज देखिया, वधाइया देखिया है ना। तो हमने अगे होर भी बहुत सारे कलाकार ने जिन्ह ने अज के दिन से चढ़दी कला टाइम टीवी के माध्यम राही
बहुत सारिया वधाई दित्तियां ने। सो कॉमेडी अदाकारी इहदे च इक होर नाम है जिन्हों तुसी जानते हो और उन्हां दी बहुत सारिया फिल्मों भी तुसी इंजॉय कर सके हो, ठीक है जी। बहुत सारे इन्हां दे छोटे 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 डायलॉग भी बहुत फेमस होए सीगे और कॉमेडी दे विच भी वाह वाह वाह, इन्हां दा कोई हाथ फड़ नहीं सकता। वैसे तो मैं गल कर रहा जी उपासना सिंह जी की, टीवी जगत तो शुरू कर अज बॉलीवुड तक छाए हुए ने ते इदां ही परमात्मा छाई रखन इन्हां नूं। ते आओ ये अज दे इस दिन ते की खास वधाई संदेश दे रहे ने, हवा लो। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਉਪਾਸਨਾ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਟਿਸਟ ਡੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਚਿੱਤਰਕਾਰ, ਮੂਰਤੀਕਾਰ, ਗਾਇਕ, ਡਾਂਸਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਟਿਸਟ ਡੇ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਸੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਟਿਸਟ ਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਆਰਟਿਸਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗਸ ਵੀ ਦੇਖੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਾਸਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਪਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਦਾਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਉਮਰ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਧਾਈ ਦੇਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਹੀ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਚਲੋ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭੰਗੂ ਮੈਮ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਦੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀ ਵੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਟਿਸਟ ਡੇ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਆ ਜਾਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਟਿਸਟ ਡੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀ ਵੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਅਦਾਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ, ਜੀ ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਦੀ। ਸੋ ਫਿਲਮ ਜਗਤ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਸੰਗੀਤ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਅਧੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਵੈਸੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਲਈ, ਸਮਝ ਗਏ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਸੈਡ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਾਇੰਡ ਫਰੈਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਗਾਣੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦਾ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਜ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਧੁਨਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਿਕਲਦਾ, ਸਾਊਂਡ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਪਰੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਣਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੰਪੋਜ਼ਰ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਚਿਹਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦਿਨ 'ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਟਿਸਟ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀ ਵੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤਬਲਾ ਵਾਦਕ ਸਾਡੇ ਤਬਲਾ ਕਿੰਗ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਦਿਨ 'ਤੇ ਇਸ ਖਾਸ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀ ਵੀ ਦੇ ਸੁਪਰਾਲੇ ਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀ ਵੀ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਣਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਅੱਜ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਟਿਸਟ ਡੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੰਗੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਅਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਕੀ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸਿੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਰਿਆਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਗੀਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਲਾਕਾਰ ਜੋ
इस फील्ड विच आना चाह रहे ने या ऑलरेडी आ चुके ने उन्हां वास्ते मैं यही मैसेज देना चाहवांगा कि संगीत नू इबादत दी तरह करो, पूजा दी तरह करो, इनू रोज रियाज प्रैक्टिस करनी जरूरी है। जिस तरह असी रब दा नाम लैने हैं, संगीत भी रब है ते उनू उस तरह मनो। मेरे वालों इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे दियां तुहानू सारियां नू बहुत बहुत मुबारक। तो मैं चाहवांगा कि सुरेंद्र जी भी अपने विचार तुहाडे सामने रखन। सत श्री अकाल दोस्तो, मैं सुरेंद्र सिंह तुहानू सारियां नू इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे ते बहुत बहुत वधाइयां देना वा। जो कि एक उपराला कर रहे ने डॉक्टर इंद्रप्रीत जी, उन्हां दा भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हां मैं जिन्हां ने सानू इस प्रोग्राम दे हिस्सा बनने दा मौका दिता है। और अज इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे दे उत्ते तुहानू सारियां नू मेरे वालों और चढ़दी कला टाइम टीवी वालों बहुत बहुत वधाइयां ने। और बहुत ही मेहनत नाल आदमी आर्टिस्ट बनता है, इसकी कदर करो, क्योंकि आर्टिस्ट एक रब का रूप ही हैगा। सो मेरे वालों तुहानू सारियां नू एक गुजारिश है कि कलाकारां दी भी इज्जत करो और कला की भी इज्जत करो। सो इसे छोटे जे नोट दे उत्ते मैं तुहानू सारियां नू फिर अज इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे की बहुत बहुत वधाइयां देना। सत श्री अकाल। माहिया वे गाते खुशियां मनावांगी मनावांगी ओदे रामां विच अखियां बिछावांगी जान छड़िए विछोड़िया फूक मैया मैनू याद आंदा सुन चरके दी मिठी मिठी कूक मैया मैनू याद आंदा सुन चरके दी मिठी मिठी मैया मैनू याद आंदा मेरे दिल विचों उठती है हूक मेरे दिल विचों उठती है हूक मैया मैनू याद आंदा सुन चरके दी मिठी मिठी हुण गल करदे आ जिन्हां ने की कराया सी। हाँ जी, हाँ समझ गए। सो पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री, पंजाबी गायकी की गल कर रहे हैं पम्मी बाई जी। हाँ, पम्मी बाई जी भंगड़े नूं इन्हां ने सिखरां ते पहुँचाया है, पंजाब के सभ्याचारक नाच जिहड़ा भंगड़ा जिसनूं असीं लै के चलते हैं। सो ये चीज़ां ने बहुत योगदान हुंदा। मैं गल कीती सी ना कि एक कलाकार बहुत छोटी छोटी चीज़ों के नाल खूबसूरत बनाउंदा चीज़ां नूं। सो उन्हां चों ही पम्मी बाई भी एक ने। सो आओ अज के दिन ते इन्हां ने की खास संदेश दिता है देखते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हाँ तुहाडा अपना पम्मी बाई। अज इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे है, सारे कलाकार अज इस दिन पूरी दुनिया च सैलीब्रेट करते हैं। तो अज ये स्पैशल सैलीब्रेशन टाइम टीवी चढ़दी कला कर रहा है। सो मैं अपने दिल दियां गहराइयां चों टाइम टीवी चढ़दी कला नूं ढेर सारियां मुबारकां पेश करदा इस उद्यम दे लई कि उन्होंने उपराला किया ते पूरी दुनिया दे विच इस ईवेंट नूं दिखाउण दी कोशिश कीती। होर भी बड़े बड़े फनकार ते कलाकार अज इस दिन दे उते सारे कलाकार भरावां नूं ढेर सारियां मुबारकां पेश करदे ने ते नाल ये भी गुजारिश करदे ने कि आपो अपने फन दे विच होर बेहतरीन करन दी कोशिश करो। जिंदगी एक बहुत खूबसूरत तस्वीर है, इस दे उते इस कैनवस दे लई तुसीं होर किन्ना कुछ अच्छा कर सकते हो। सो एक कलाकार नूं करना चाहिए, निरंतर करना चाहिए ते मैं आपदे आप नूं निट के इस पासे नूं लाया है। मैं संगीत दा, डांस दा, एक्टिंग दा विद्यार्थी हाँ ते मैं तिन्ने शोबियां दे विच काम कर रहा, फिल्मां च काम कर रहा, गा रहा ते निरंतर नच रहा, सो स्टेज परफॉर्मेंसेस कर रहा। सो एक बार फिर अज इस वर्ल्ड आर्टिस्ट डे दे उते मैं तुहानू सारयां नू
ढेर सारिया जिथे मुबारक पेश करदा एक बार फिर चढ़दी कला टाइम टीवी जिंदाबाद। चढ़दी कला टाइम टीवी दे इस विशेष उपराले लई मैं मुबारकबाद देंदा, देखते रहो चढ़दी कला टाइम टीवी। सब नू बहुत बहुत प्यार ते मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। गुरबाणी न्यूज म्यूजिक एंटरटेनमेंट शो या किसी तरह का कोई भी कंटेंट वेखन दे लई प्ले स्टोर तो हुणे डाउनलोड करो चढ़दी कला मीडिया नेटवर्क ऐप।